हेलो एवरीवन, वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पर हम आ चुके हैं आपकी अपनी वेबसाइट finowings.com पर, जो अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंग्लिश, और जब हम इसको क्लिक करते हैं हिंदी पर तो ये हो जाती है हिंदी में, यानी हिंदी वाले यूज़र और इंग्लिश वाले यूज़र दोनों के लिए अब यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है। यानी IPO की न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सब कुछ आप देख रहे हो, आपके सामने है। तो आप यहां पर आएं, विजिट करें, पढ़ें, लोगों के साथ शेयर करें, आपको बहुत बिग लर्निंग मिलने वाली है। बहुत मेहनत से धीरे धीरे इसके अंदर कंटेंट भरते जा रहे हैं कि वो कंटेंट आपको बहुत बेहतर कर सके, बट हमें आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए होगा इसको बेहतर बेहतर बनाने में। जहां पर जब आप कोई भी ब्लॉग पढ़ते हैं तो नीचे में कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें, हमारी टीम दिन रात लगी हुई है इसको और भी बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू। गुड न्यूज ये है कि 10 सितंबर से शुरू होने जा रहा है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास का नया बैच। जो आप लोगों की क्वेरी रहती है ना, सर जो आप ट्रेड बताते हो, आपने बताया रेलवे स्टॉक एकदम पकड़ के बैठो, कैसे सोचा? सूर्या रोशनी आपने बताया वो बम्पर ब्लास्ट हुई, जो आपने कॉस्मो फर्स्ट बताया वो ब्लास्ट हुई, मतलब जो भी थॉट प्रोसेस है स्टॉक सिलेक्शन का वो कैसे आप लाते हो, तो वो सब कुछ हम सिखाने वाले हैं 10 सितंबर की मास्टर क्लास में, जहां पर हमारा ये मानना है टिप्स से आप कभी पैसा नहीं कमा सकते, और ये आप बेहतर जानते हो। हर दिन इंसान टिप्स के चक्कर में लॉस में है, लेकिन जब आप सीखते हो, समझते हो, एक्सपीरियंस लेते हो, हैंड होल्डिंग लेते हो, सपोर्ट लेते हो, तब आपको एक्चुअली पता चलता है कि कैसे ट्रेड होता है। वहां पर हम आपको पूरा 100 डेज का सपोर्ट सिस्टम देते हैं। अब यही है सबसे यूनिक चीज, जिसको ध्यान से सुन लेना, 10 दिन की क्लास, 90 दिन की हैंड होल्डिंग, जो कोई नहीं देता है। और ये सबको जरूरत है, सब सोचते हैं 2 दिन की क्लास 3 दिन की क्लास हो गई, काम खत्म हो गया। कुछ नहीं हो सकता, आप बिगनर हो दोस्त। आप सीखने के बाद जब प्रैक्टिकली मैदान में मारपीट करने उतरते हो, तब आपको एक टीचर चाहिए होता है गाइड करने के लिए, सही हो या गलत। मैं यहां पर कोई वीडियो बना रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं ये जरूरी थोड़ी कि मेरी कही बात आपको सेम टू सेम समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी। वहां पर अगर एक टीचर रहे, गाइड करने वाला रहे, तो हेल्प हो सकता है। इतनी सारी फ्री स्ट्रेटजी है, फिर भी आप क्यों नहीं कमा पाते? क्योंकि बताने वाले ने जो इंटरप्रिटेशन बताया है वो अलग होता है, और आप कैसे पकड़ते हो वो अलग होता है। ड्यू टू दैट रीजन, रिवीजन क्लास, हैंड होल्डिंग, स्टडी मटेरियल, स्क्रीनर, अनगिनत चीज़ें आपको हमारी 10 सितंबर की क्लास में मिलने वाली है, जिससे आप एक रियल ट्रेडर बन सकते हो, सेकंड अर्निंग कर सकते हो, नौकरी से आज़ादी कर सकते हो। 9708094321 पे कॉल कीजिए, जिससे बिंदास इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन में आप खुद का बॉस बन के खुद से डिसीजन ले सकते हो। जब किसी के टिप्स पे ट्रेड करते हो, दिल धक 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 करता है, अरे पता नहीं क्या हो गया, 2 रुपया ऊपर आया, 2 रुपया नीचे आया, धक धक पता नहीं। तो ये पता नहीं का सॉल्यूशन क्या है? सीखना। तो पता होता है हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, जिससे हमें पता होता है हमें किस राह पे जाना है, किस रास्ते जाना है। क्योंकि अभी तो पता ही नहीं किस रास्ते जाना है, आंख पे पट्टी बंधी है, कोई हाथ पकड़ के इधर ले जा रहा है, कोई उधर ले जा रहा है, और बस कुएं में गिर जाते हैं। उस समय आंखें खुली रहेगी, क्योंकि जहां सरस्वती माता वहां लक्ष्मी माता। तो कॉल दीजिए 9708094321 पे। लिमिटेड सीट होती है, क्योंकि हमें सबको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना पड़ता है, रिवीजन देना पड़ता है, बहुत बच्चों की तरह सिखाते हैं, तो मौका बिल्कुल ना जाए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके? देखिए, सप्लाई और डिमांड का खेल किस तरीके से शेयर के प्राइस को इंक्रीज करता है, ये सुना होगा, बट हम आज बहुत इंटरेस्टिंग एक सेक्टर लेकर आए हैं जिसमें हर साल कुछ ना कुछ ऐसा खेल होता है, जिसको अगर आप सेव करके डेटा के साथ देखेंगे तो पाएंगे कि ये खेल सालों से चलता आ रहा है, और जो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है, बशर्ते कि आप इसको जानते हो, समझते हो। तो हम बात करने वाले हैं उस सेक्टर की, उस सेक्टर के शेयर की, उस डेटा की, उस प्रूफ की, जहां पर पूरा डेटा देख कर कहोगे कि सर ये हुई ना भाई वाली बात, जहां पर आपने बहुत बिग आई ओपनर दिया है। क्योंकि यहां पर ये चीज बताऊं, ये डेटा को देखकर सिर्फ यहां पर नहीं, आगे भी कहीं पर फायदा आपको बहुत कुछ मिल सकता है, यानी एक वीडियो से डबल बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके प्यार दीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं सुगर स्टॉक की, जहां पर बम्पर तेजी हुई। यहां पर दो चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला, 6 सितंबर को बम्पर तेजी हुई, तो 7 सितंबर को उस शुगर सेक्टर में क्या हुआ, ध्यान से। क्योंकि क्या होता है, जब किसी शेयर में बम्पर तेजी हुई, अगले दिन लोग दौड़ के उस शेयर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि मैं इंट्राडे में कमा लूंगा, मैं कहीं पीछे तो नहीं रह गया। तो वहां पर वो चीज़ जब बिग आई ओपनर हम आपको देंगे, तो आप समझ पाएंगे कि पिक्चर बड़ी देखनी चाहिए, ट्रेलर में मज़ा नहीं है, राइट? ट्रेलर में कभी कभी ट्रैप भी हो सकते हैं, अरे
ट्रेलर तो लगी अच्छी है बट मूवी अच्छी ना हो, राइट? तो बहुत कुछ मिलने वाला है आज की वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं शुगर इंडस्ट्री की, और हमारा भारत वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है, फर्स्ट पे ब्राज़ील। इंडिया और ब्राज़ील में फर्स्ट और सेकेंड का कंपटीशन चलता रहता है, हम आगे तो हम आगे। और इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी है शुगर इंडस्ट्री। 2022 में 5000 LMT शुगर केन का प्रोडक्शन हुआ था। LMT का मतलब लाख मेट्रिक टन। ये एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है जिससे शुगर केन को मेज़र करते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर केन की खेती होती है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। इंडिया में जितना भी शुगर केन प्रोड्यूस होता है उसमें से 85% इसी स्टेट से आता है। 2020 तक शुगर इंडस्ट्री का हालत ख़राब, क्योंकि एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, शुगर केन का सप्लाई भी कम हो गया था, और शुगर केन ही नहीं होगा तो शुगर कैसे बनेगा। अभी शुगर इंडस्ट्री काफ़ी दिन से चर्चा में, क्योंकि शुगर कंपनी में काफ़ी तेज़ी दिख रही थी। लास्ट टाइम अप्रैल में शुगर स्टॉक में तेज़ी दिखी थी जब इंटरनेशनल मार्केट में शुगर का प्राइस बढ़ गया था, और हमारा इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है शुगर का। इस बार शुगर स्टॉक में मूवमेंट की वजह है डिक्लाइनिंग प्रोडक्शन। जी हाँ, ऑलमोस्ट सभी शुगर स्टॉक में मूवमेंट दिखा, क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट शुगर ट्रेडर का स्टेटमेंट आया है कि आने वाले टाइम में शुगर का शॉर्टेज हो सकता है। ये स्टेटमेंट आया है एवलिन का, जो एक स्विट्जरलैंड बेस्ड शुगर ट्रेडर कंपनी है, जिनके स्टेटमेंट के मुताबिक आने वाले 6 साल तक शुगर की कमी हो सकती है, क्योंकि इंडिया में शुगर केन का प्रोडक्शन स्लो है। इनके मुताबिक ग्लोबल मार्केट में 5.4 मिलियन मेट्रिक टन शुगर डिफिसिट हो सकता है, मतलब शुगर की कमी हो सकती है। और ऐसा होने की वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 साल में पहली बार इंडिया शुगर एक्सपोर्ट बैन करने वाला है। 2021-22 में शुगर एक्सपोर्ट 64.90% बढ़ा था। 2013 से 14 तक अब तक इंडिया से जो शुगर एक्सपोर्ट हुआ है वो 291% तक बढ़ा है। इन सभी टेक्निकल और मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म से आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, बस इतना समझिए कि ग्लोबल मार्केट में शुगर का सप्लाई कम होने वाला है, और लॉ ऑफ सप्लाई के मुताबिक जब सप्लाई कम होता है तो प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है, बढ़ता है। अब इसी कॉन्सेप्ट से समझिए, जब शुगर का सप्लाई कम होगा तो शुगर का प्राइस बढ़ेगा और शुगर कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। काफ़ी सिंपल लॉजिक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कहानी क्या चल रही है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि क्या पहले भी ऐसा हुआ है कि शुगर का सप्लाई घटने की वजह से शुगर कंपनी में मूवमेंट आया है? करेक्ट, जो डेटा हम बता रहे थे, और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट 6-7 तारीख वाली बात, तो ये हमें पता चलेगा हिस्टोरिकल डेटा से। आपके स्क्रीन पर इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन का डेटा दिख रहा है। 2016 से 17 में शुगर प्रोडक्शन डाउन हुआ था, इसके बाद 2019-20 में शुगर प्रोडक्शन डाउन हुआ था। 18-19 से 20-21 तक शुगर प्रोडक्शन डाउन ट्रेंड में है। अब इस शुगर प्रोडक्शन का जो ट्रेंड इम्पैक्ट दिखा कुछ शुगर स्टॉक में, तो इंडिया में कई शुगर कंपनी जैसे EID पैरी, द्वारिकेश शुगर, बलरामपुर चीनी, डालमिया शुगर, उत्तम शुगर मिल, बजाज हिंदुस्तान शुगर, इन सभी स्टॉक में मूवमेंट दिख रहा है। मगर इन सभी में से 3 स्टॉक का परफॉर्मेंस हमने कंपेयर किया शुगर प्रोडक्शन के ट्रेंड में। इसमें फर्स्ट कंपनी है EID पैरी। 2016-17 में जब शुगर प्रोडक्शन गिरा था तो इस कंपनी ने 120% का रिटर्न दिया। 19-20 में शुगर प्रोडक्शन गिरा तो उस वक्त इस कंपनी ने 88% का रिटर्न दिया। 18-19 से 20-21 में इन्होंने 172% का रिटर्न दिया। सेकंड कंपनी द्वारकेश शुगर, 2016-17 में 742% का रिटर्न, 19-20 में 66% का रिटर्न, 18-19 से 20-21 में अगर हम आते हैं तो 250% का रिटर्न। तीसरी कंपनी बलरामपुर चीनी मिल्स, 2016-17 में 160% का रिटर्न, 19-20 में 89% का रिटर्न, 18-19 से 20-21 तक 276% का रिटर्न। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जब शुगर का प्रोडक्शन डाउन हुआ तब शुगर स्टॉक में मूवमेंट दिखा। तो कैसी लगी डेटा एनालिसिस, पहले तो कमेंट में बताइए। कभी ऐसे स्टॉक को सोचा है और ये डेटा देखकर मज़ा आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी के रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 6 सालों तक शुगर की सप्लाई कम होगी, मतलब प्रोडक्शन कम होगा, तो मतलब शुगर कंपनी हाई प्राइस पे शुगर सेल करेंगी और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो यहाँ अगर आप शुगर प्रोडक्शन डिक्लाइन होने की वजह सोच रहे हैं तो अभी जो वजह बताई जा रही है वो है बारिश की कमी। रिपोर्ट के अनुसार कम बारिश होने की वजह से शुगर केन कम हुआ है, जिसकी वजह से शुगर का प्रोडक्शन भी कम हुआ है। इंडिया में जितना भी शुगर केन प्रोड्यूस होता है उसमें से 50% से ज़्यादा महाराष्ट्र कर्नाटक में होता है। तो जनरली नवंबर से अप्रैल मंथ में महाराष्ट्र में शुगर मिल ऑपरेट करता था, मतलब इस साल अब तक 25 मील काम बंद कर चुके हैं, क्योंकि शुगर प्रोडक्शन के लिए शुगर केन है ही नहीं। अब ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि शुगर का सप्लाई कम होगा तो शुगर कंपनीज़ का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि शुगर का सेलिंग प्राइस बढ़ेगा। तो मैंने आपको ये पूरा थीम हिस्टोरिकल डेटा के साथ समझा दिया, कुछ स्टॉक का नाम भी बताया। अब इसके आगे
आप खुद से स्टडी कीजिए, बट मैं आपको कुछ और भी बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले बताइए कि ये एनालिसिस, सोच का तरीका, वीडियो बनाने का तरीका कैसा लगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। जब मैंने डेटा बताया, अब आप उस डेटा की एनालिसिस करो, 16, 17, 18, 19 या 20, 21, तो जो अभी नए नए मार्केट में आए हैं ना, ये परसेंटेज का रिटर्न देखकर तो ये सोचेंगे बस आज खरीदेंगे, हम भी 23% का रिटर्न लेके जाएंगे। बट स्टॉक ऐसे चलेगा नहीं दोस्त, वो थोड़ा ऊपर जाकर फिर गिरेगा और आपको कह रहे ये तो फंस गए, अग्रवाल जी तो वीडियो में बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, शुगर स्टॉक ऐसे जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम टिप्स नहीं देते, हम आपको सिखाते हैं, समझाते हैं। तो जब आप उस साल के रिटर्न में भी जाएंगे तो आप पाएंगे स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यानी खूब तरपा के, खूब तरसा के तब ऊपर जाता है। तो ओवरऑल आपका विजन होना चाहिए, मैं क्यों लिया, किस लिए लिया, किस कारण से लिया, दैट्स द बिग रीजन। मैं आपको एक लर्निंग देता हूं, जब हमें पता चलता है ना इस तरीके से, हमें डर नहीं लगता, हमें पता होता है हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसकी चाल कैसी है, ये घोड़े की चाल चलता है, ऊंट की चाल चलता है, हाथी की चाल चलता है, वजीर की चाल चलता है, किसकी चाल चलता है, ये हमें पता होता है। और जब हमें पता होता है तो तकलीफ नहीं होती। तो ये तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि ये सारा सिनारियो कहाँ जा रहा है, जहाँ पर थोड़ा डेटा आया है, अगर ये चीज़ें निकल के आती हैं तो ये इस तरीके से हो सकता है, जहाँ पर हम शुगर सेक्टर के शेयर पर नज़र रख सकते हैं, जहाँ पर तीन शेयर जो हिस्ट्री डेटा के हिसाब से परफॉर्म किए वो हमारे रडार पे आ जाएंगे ऑटोमेटिक, वो तो आप समझ ही रहे हो। अब हम आते हैं एक बड़े इम्पॉर्टेंट डेटा पर। इम्पॉर्टेंट डेटा ऐसा है मेरे भाई कि जैसे 6 सितंबर को क्या हुआ, शुगर स्टॉक में बम्पर धुआंधार मजेदार रैली हुई। अब उस धुआंधार मजेदार रैली के बाद रिटेल भाई ये सोचते हैं कि हम तो 7 तारीख यानी उसके नेक्स्ट डे हम तो जो रह गए हैं ना, हम आज ही शुगर सेक्टर खरीदेंगे और आज ही कमाएंगे। तो आपके स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा है जिसमें आपके पास दिख रहा है कि मैक्सिमम शुगर शेयर आज रेड में है, कुछ एक शेयर जो हैं अगर उसमें मूवमेंट भी हुआ है तो 0.5% का हुआ है, और सिर्फ एक शेयर ऐसा है जिसमें 3% की तेजी हुई है। यानी जिन लोगों को अगर शुगर शेयर से आज इंट्राडे में पैसा कमाना हो सिर्फ कल के डेटा को देखकर, तो उनकी तो लग गई। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग ये है कि भैया अगर कोई स्टॉक या पूरा का पूरा सेक्टर किसी दिन किसी भी कारण से बम्पर तेजी करता है, नॉर्मल तेजी की बात नहीं कर रहा हूं, बम्पर तेजी करता है, तो अगले दिन सिर्फ 30% चांस ही होते हैं कि वो रैली कंटिन्यू करता है, वो थोड़ा रुकता है, थमता है। आई बात समझ में? तो यानी 70% टाइम परफॉर्म नहीं करता है, 30% टाइम परफॉर्म करता है। ये अगेन आप हिस्ट्री से चेक कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें जानकारी नहीं होती है तो हम इन सब जानकारी के अभाव में सौदा पकड़ के अंत में नुकसान बुक करते हैं और कहते हैं इंट्राडे में लॉस हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप जब लर्निंग से लेते हो ना मेरे दोस्त, तब आती है लर्निंग और तब बनता है पैसा। तो यही सब चीज़ें हम आपको 10 सितंबर की मास्टर क्लास में सिखाएंगे, कैसे इंट्राडे सोचते हैं, कैसे स्विंग सोचते हैं, कैसे पोजिशनल सोचते हैं, क्या इंट्री है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है। और इन सब के लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं, टीचर देते हैं, स्टडी मटेरियल देते हैं, स्क्रीनर देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। और पूरे 100 दिन का पैकेज है, 10 दिन की क्लास, 90 दिन तक बच्चों की तरह सारे डाउट को क्लियर करेंगे। डाउट क्लियर क्यों जरूरी है, यूट्यूब पर तो बहुत कुछ है लेकिन उसके बाद भी आप नहीं सीख पाते हो, नहीं कमा पाते हो, बहुत सारी फ्रेज स्ट्रेटजी है नहीं कर पाते हो, क्यों? तो वहाँ पर जब हम इस तरीके से करते हैं तो आप सीखते हो, कमाते हो। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।